अजीत डोभाल कहता है कि ये तुमने ने डिसाइड करना कि अमन कब होगा और किन शराइत पे होगा, ये मेरे एडवर्सरी ने नहीं, ये मैंने डिसाइड करना है कि कब होगा एंड एट व्हाट, किन किन शराइत के ऊपर करना है। सऊदी अरब है वो भी ये समझ चुका है कि हमें अमेरिका ने डिच किया बहुत दफा, कि इंडिया भी इंडिपेंडेंट रोल प्ले कर रहा है, ऑटोनोमस है, और सऊदी जो है वो भी ऑटोनोमस जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो चला रहे हैं, और मोहम्मद बिन सलमान जो है वो समझ रहा है कि जो ये जो ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी है इसको किस तरह लेके जाना होगा। अमित शाह जो है वो जम्मू कश्मीर में खड़े होकर कहते हैं पाकिस्तान के साथ बात नहीं करनी, हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे फॉरेन मिनिस्टर रोज कह रहे हैं हम नारा लगाते हैं कश्मीर का, हम नारा लगाते हैं फलस्तीन का, हम नारा लगाते हैं बर्मा का, लेकिन जो अपनी कंडीशन है वो शायद इस टाइम काबिले तर्स है। हम खुद आजाद नहीं कश्मीर के लिए कैसे आवाज उठाते हैं, क्यों कहते हैं कश्मीर जो है हमारी पाकिस्तान की शाहराग है और हम अपनी शाहराग को अलग नहीं कर सकते। इसीलिए तो लोग आपको कश्मीर पे सीरियसली लेते नहीं है ना, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो इसीलिए आपने लूज कर दी कि आप समर साठ लेते हैं, वॉल्टे फास्ट करते हैं, इसलिए लोग आपको सीरियस लेते नहीं। पहले हम आजाद होंगे या पहले कश्मीर? इंशाल्लाह हम ही होंगे। वही ना, पहले हमें अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है, अपने जो इंटरनल इश्यूज है उन पर गौर करने की जरूरत है, हमें खुद को स्टेबल करने की जरूरत है, उसके बाद ही हम अगर किसी की बात करें तो अच्छे लगते हैं, अदरवाइज मजाक बनाया जाएगा और मजाक बनाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की कोर नए वीडियो में। दोस्तों जिस तरीके से भारत के जो रिलेशन है वो मुस्लिम देशों के साथ और खास करके जो सऊदी अरब है उसके बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान को ये बात पता है कि अगर जो मुस्लिम देश है वो पूरी तरीके से भारत की ओर चले जाते हैं तो फिर कश्मीर का मुद्दा और जो सऊदी अरब से पाकिस्तान को कर्ज मिलता है वो बंद हो जाएगा और पाकिस्तान का चलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा कि जब भी पाकिस्तान में कोई प्राइम मिनिस्टर आता है तो सबसे पहले वो किसी देश में नहीं जाकर सऊदी अरब जाता है, क्योंकि जानता है कि सऊदी अरब से उसे पैसे मिल जाएंगे और सऊदी अरब के जो लोग हैं वो भी पाकिस्तान को पैसे दे देते हैं। हालाँकि ये जो है वो अभी 3 से 4 सालों के अंदर उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो कई बार पाकिस्तान पर नाराज भी हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा काम ही कर दिया है लोग। लेकिन जिस तरीके से इंडिया के साथ, इंडिया पर जो सऊदी अरब की तरफ से बयान आ रहा है, आपको पता होगा अभी छठ पूजा हुआ है उस पर जिस तरीके का वहाँ पे महापर्व मनाया गया है, ये सब देखकर पाकिस्तान अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इंडिया और सऊदी अरब के जो रिलेशन है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर और क्या बात कर रही है। डिसाइड करना कि अमन कब होगा और किन शराइत पे होगा, ये मेरे एडवर्सरी ने नहीं, ये मैंने डिसाइड करना है कि कब होगा एंड एट व्हाट, किन किन शराइत के ऊपर होगा। अमित शाह जो है वो जम्मू कश्मीर में खड़े होकर कहते हैं पाकिस्तान के साथ बात नहीं करनी, हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे फॉरेन मिनिस्टर रोज कह रहे हैं अक्वामे मुत्तहिदा जाकर इधर उधर जाकर अपने बायलैटरल इंटरेक्शंस में कश्मीर वाले मामले को नहीं उठा रहे, और फिर अभी जो है नरेंद्र मोदी कहते हैं मैंने तो हल कर दिया मसला है कश्मीर। इसीलिए तो लोग आपको कश्मीर पे सीरियसली लेते नहीं है ना, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो इसीलिए आपने लूज कर दी कि आप समर साठ लेते हैं, वॉल्टे फास्ट करते हैं, इसलिए लोग आपको सीरियस लेते नहीं ना। आपको अब खलीजी ममालिक से भी आपका देखें हाथ से निकल गया ना, आप एक तरफ तो उनको कहते हैं कि आप ट्रेड ना करें भारत के साथ बिकॉज ऑफ कश्मीर और जो वहाँ पे एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं मुसलमानों के खिलाफ या कश्मीरियों के खिलाफ, दूसरी तरफ आप खुद ट्रेड के लिए बेचैन हुए फिरते हैं, और सिर्फ माफ़ कीजिएगा इससे सिर्फ इस हुकूमत का नहीं, अगर आप पीछे अमाद अज़हर की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल का भी देखिए, उन्होंने भी तो ही तजवीज़ किया था ना कि आप ट्रेड कर लीजिए भारत के साथ, फिर तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ही पुट हिज फुट डाउन कि आई वुड नेवर अलाउ दिस टू हैपन, वो तो उस वजह से हो गया। तो हमारी इनकन्सिस्टेंसीज तो बहुत पुरानी, जिस तरह आपने जिक्र किया उसी वजह से कश्मीर के मामले में कम से कम मैं समझता हूँ कि हमारी उस तरह क्रेडिबिलिटी अब नहीं रही जिस तरह होनी चाहिए थी, इसलिए हमें दुनिया भर में सपोर्ट भी नहीं मिली। बोला है कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है, बनाना रिपब्लिक मतलब जंगल का कानून, इस स्टेटमेंट से इंटरनेशनल इमेज खराब नहीं होगा? इसमें इंटरनेशनल हमारी जो है स्टेटमेंट खराब नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है पीडीएम जिस तरीके से आई है वो इंतखाबात के जरिए नहीं आई, मैं ये समझती हूँ मैं लाहौर से आई हूँ, आप भी लाहौर से आए हैं और हम आजाद वाकई नहीं आए, क्योंकि जब ज़हनी आजादियत मिलती है तब आप आजाद होते हैं वरना आप आजाद नहीं होते। हर जलसे में ऑलमोस्ट हर जलसे में उनके फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आजाद है, इंडिया की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो बेहतर है, क्या वजह है? एक तरफ तारीफ एक तरफ बुराई। खान साहब के दौर में जो महंगाई का आलम था वो आपको पता है, और अब जो चल रहा है उसका भी आपको पता है, उसकी बेसिक वजह यही है
कि वही पॉलिसी जो अब इंडिया ने हमें देखते हुए हां साहब को देखते हुए अपनाई है उन्होंने वो अडॉप्ट कर लिया, उन्होंने ईरान के साथ और रशिया के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं उसी वजह से वो लोग आज़ाद हैं और हम लोग अब तक भी आज़ाद नहीं। आप कह रहे हैं इंडिया ने खान साहब को देखते हुए पॉलिसी बनाई और दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड को बहाल किया, बेहतर किया, तो खान साहब ने तो इंडिया के साथ ही ट्रेड को बंद कर दिया। खान साहब ने इंडिया के लिए तो कश्मीर के मौजू पे उनको बंद, कश्मीर का मौजू हल हो गया? नहीं वो हल तो नहीं हुआ लेकिन ऐसे ही होगा ना, हम कितनी देर तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, पाकिस्तान आज़ाद होगा इस ये जो करप्ट हुकूमत हमारे सर पे। इंडिया भी इंडिपेंडेंट रोल प्ले कर रहा है, ऑटोनोमस है, और सऊदीज जो है वो भी ऑटोनोमस जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो चला रहे हैं, और मोहम्मद बिन सलमान जो है वो समझ रहा है कि जो ये जो ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी है इसको किस तरह लेके जाना है। दोस्तों मैं हूँ कमर सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट है इंटरनेशनली और वो ये है कि ये जो ग्लोबली इमर्जिंग मार्केट्स जिन्हें कहते हैं जिसमें इंडिया और सऊदी अरब और बहुत सारे ममालिक हैं, कहा जाता है कि 2011 से लेकर 2021 तक इनका जो परसेंटेज ग्लोबल जीडीपी में था वो तकरीबन 67% था और आज ये तकरीबन 49% है। अब हो ये रहा है कि इंडिया और जो सऊदी अरब है ये दोनों जिस यूक्रेन वॉर जो चल रही है इसमें इन्होंने ये किस तरह सबसे बड़े बेनिफिशरी भी हुए हैं। अगर आपने सुना हो कि भारत के जो यूनियन मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम के और नेचुरल गैस के हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने सीएनएन की जर्नलिस्ट को जिस तरह स्नब किया और कहा कि भाई तुम जो है ना वो मैं तुम्हें पर्सपेक्टिव ठीक करके दूं, हम 0.2% जो है वो अपनी टोटल जो ऑयल रशिया से इम्पोर्ट करते हैं, और बेसिकली तो अमूमन इंटरनेशनल मीडिया की आदत होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को स्नब करता है, लेकिन हरदीप सिंह पुरी ने उसको किया, लेकिन उसके पीछे भी जारी बात है एक लॉजिक है। मैं एक न्यूयॉर्क टाइम्स का देख रहा था, मैंने अपने ट्विटर पे भी शेयर किया हुआ है कि जब से ये यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है इंडिया की 317% ट्रेड जो है वो इंडिया रशिया से जो बढ़ गई है। अब जो सऊदी अरब है वो भी इन सारी चीज़ों को जारी बात है बड़े करीब से देख रहा है, और सऊदी अरब ने क्या किया है कि सऊदी अरब ने बेसिकली जितने भी ओपेक प्लस कंट्रीज हैं, पहले ओपेक होता था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और फिर उन्होंने कहा कि वो तमाम रशिया को और कुछ और ममालिक को मिला के इन्होंने 2016 में एक ओपेक प्लस बना लिया, और उन्होंने ये फैसला किया कि हम जो ऑयल की जो प्रोडक्शन है वो आई थिंक उसको उन्होंने कम किया 1.5 मिलियन बैरल। दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो लगातार सऊदी अरब के बारे में बात कर रही है। दोस्तों जब भी मुस्लिम कंट्री के बारे में बात होती है तो पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा कूदने लगते हैं, और उनका ये कहना है कि जो सऊदी अरब है जो मुस्लिम कंट्री है वो पूरी तरीके से हमारे साथ है, वो भारत के साथ हो ही नहीं सकती। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद भारत के जो रिलेशन है वो मुस्लिम देशों के साथ भी बहुत अच्छे बन गए, हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि अभी भी पूरी तरीके से अच्छे रिलेशन हो गए, लेकिन बहुत ज़्यादा ही सुधार देखने को मिला है। और ये सब जो है ये खुद सऊदी अरब के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो प्रिंस हैं उनकी तरफ उनका जो बयान है उससे भी पता चलता है, क्योंकि वो जिस तरीके से इंडिया की ओर देखते हैं और ख़ास करके वो इंडिया के मार्केट को देखते हैं तब उनको पता है कि अगर उनको भी सर्वाइव करना है, क्योंकि सऊदी अरब के पास तेल ही एकमात्र ऐसा सोर्स है जिससे उनका पूरा मुल्क चल रहा है, लेकिन उनको भी पता है कि आने वाले दिनों में तेल ख़त्म होंगे, और अगर वो इंडिया के साथ रिलेशन नहीं बनाएंगे तो इंडिया आने वाले दिनों में जो सुपर पावर है वो बनने की ओर बढ़ रहा है, और अगर इंडिया के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं होते तो ये सऊदी अरब के लिए अच्छा नहीं होगा। और इसीलिए सऊदी अरब के प्रिंस भी चाहते हैं कि जो भारत का रिलेशन भारत के साथ रिलेशन है वो अच्छा हो। दोस्तों आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें हिंदुस्तान स्पेशल।